तो जी अभी हम ये क्विक जो चीज़ें हैं ना ये नोश फरमाएंगे। ये है ये क्या था, लबना, हाँ लबना चीज़ ये, और ये मेरा, ये उमर का, ये हानिया का, और बस ये जल्दी से थोड़ा सा खाएंगे, फिर अभी हम जाएंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से होने के बाद हम खाएंगे खाना। तो ये आपका, चलो जी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अलग फिक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एवन फिट, आप सबकी दुआओं के साथ। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे का दिन हमारा आज, हानिया कम है, हानिया कम बैक। फ्राइडे का आज दिन हमारा जैसे गुजरता है वैसे गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे हैं और नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद, नहीं नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था। तब मैं बिज़ी थी थोड़ी सी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं उसकी बना सकी। और उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से जो आपके काम होते हैं ना पेंडिंग, जो आपने वीकेंड में रखे होते हैं, तो वो फिर माइंड में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले था जी ग्रोसरी, और ग्रोसरी भी मैं करके आ रही हूँ, और चीज़ें कुछ मैंने अंदर एडजस्ट कर दी हैं। जो रेफ्रिजरेटर वाली चीज़ें होती हैं ना, फ्रिज वाली, वो आपकी कोशिश होती है वो आप रख दें अंदर। बाकी भी जो छोटी मोटी चीज़ें अभी वो बाहर ही पड़ी हैं वो मैं आकर रखूँगी, क्योंकि हमें जाना है अब सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट एक दो दिन से हम प्लान बना रहे थे कि सेंटर पॉइंट चले, लेकिन कल भी जाना था फिर वो बंद हो चुका था, तो आज जाएंगे, अभी बल्कि जा रहे हैं। और हल्का फुल्का सा हमने खाया जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और क्या, और कुछ नहीं जी। खाने को एरोप्लेन बहुत पसंद आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मिस, मेरी इस मेस को ना, जहाँ पर एरोप्लेन, कैट, डॉग, तो जब हम पहले निकले थे ना राशन वाशन जब मैं लेने जा रही थी तो सामने डॉग खड़ा था। खैर तब हम गाड़ी में बैठ चुके थे, तो अभी बस निकलने वाले हैं, मैं कर रही हूँ उमर का वेट। तो जी कुछ इस तरह से आगाज़ हुआ हमारे फ्राइडे का, और अभी बस हम जाएंगे जाकर जो चीज़ें वीज़ें लेनी है वो लेंगे, उसके बाद जी खाना शाना खाएँगे। हानिया कम है? ओके ओके ओके। अगर बाहर मूड हुआ निकलने का या घूमने फिरने का तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। फ्राइडे स्टार्ट हुआ है और सारे घरों से तैयार शर होकर बाहर निकल रहे हैं। हम करते रहेंगे, जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आप लोगों से जी। मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ कतर का शेयर कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करती रहूँगी, जैसे कि अभी आज भी करूँगी। कहने को तो वही बार बार पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हर आप जिस जगह पे भी जाते हैं कोई ना कोई चेंजेस आ चुकी होती हैं और आती रहती हैं। तो कतर में वैसे भी बहुत चेंजेस आगे आने वाली है, बल्कि आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से कतर में चल रहा है, क्योंकि फ़ीफा का जो वर्ल्ड कप है ना वो इसी साल में है, और उसके लिए पूरी दुनिया से आएंगे लोग देखने, और हम हो सकते तब घर में बैठे क्योंकि हमें इतना नहीं है गेम्स का, मुझे शुरू से इतना नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन देखेंगे क्या होता है। बट अभी के लिए कोई भी ऐसा ना हम लोगों का माइंड नहीं है। तो जी हानिया को मैं लेकर जाती हूँ अभी अंदर। आई थिंक उमर ने थोड़ा सा टाइम लगाना है साथ में, मैं देख लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि जब आपके बच्चे साथ में होते हैं ना आपको एक एक चीज़ को अपने पास रखना पड़ता है। ये गाड़ी बेचारी गैराज में गई थी, आई है मेरे ख्याल से कल, आई है कल रात को आई है। तो बस चलते हैं और आप लोगों से जी शेयर करती हूँ। वो देखें मैडम अंदर भी आ जाओ ना, बच्चे ऐसे बाहर खड़े होते हैं जैसे ये हमारे अम्मा अब हैं। आ जाओ आनी, लेट्स गो कम। तो चलती है अंदर, उमर ने लगता है कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाना है उसको साथ लेकर बाहर निकलती, क्योंकि ऐसे वेट करना तो आप ऐसे वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हानी कम, वेयर इज टैवी? टैवी इनसाइड, लेट्स गो लेट्स गो। तो जी हम बैठ गए हैं अपने दूसरी मंजिल की तरफ जाने के लिए। अच्छा एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। ट्रेजेडी क्या हुई? अभी जब मैं ग्रोसरी के लिए गई हुई थी तो होता है ना कि जब आप बैठते हैं गाड़ी में तो आप ना गो थ्रू करते हो सारी उस लिस्ट के साथ जो आपने ली होती है। तो मैं वैसे देख रही थी, मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था कि मैं मस्ट देखूं या वन बाय वन जाऊं। तो वैसे मैं देख रही, क्योंकि मैंने एक दो परफ्यूम्स लिए थे, तो मैंने कहा यार मैं देखूँ उनकी वही प्राइस थी जो उन्होंने वहाँ पर लगाई थी, क्योंकि सेल में थी वो। तो हुआ क्या, एक चीज़ मेरी आंखों के सामने आई और उसकी प्राइस थी 67 रियाल। तो मैंने कहा 67 का तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो ये कहाँ से आया 67? तो हम
सामने जी मैंने दोबारा वन बाय वन चीज़ें देखी क्या क्या लिया है उसमें जी, वो चीज़ थी नहीं क्योंकि उस 67 में क्या था जी, मैंगो थे और वो मैंगो 67 रियाल के थे। मैंने कहा कौन से मैंगो मैंने लिया, मैंने तो कोई मैंगो कोई फ्रूट लिया ही नहीं, मैंने ऑरेंजेस लिए हैं, एप्पल लिए हैं और बनाना, इस तरह के जो बेसिक फ्रूट्स होते हैं नहीं, बेसिक फ्रूट्स लिए हैं, मैंगो नहीं लिया क्योंकि मैंगो का सीज़न ही नहीं। आपको पता है मैंगो इस सीज़न में कौन सा अच्छा होगा, अब हमें पाकिस्तानी मैंगो खाने के हम आदी हैं तो इस सीज़न में तो पाकिस्तानी मैंगो आते ही नहीं हैं। तो जी बाद में हमने सारा चेक किया, कोई मैंगो का सीन नहीं था, कुछ नहीं लिया हुआ था। हुआ क्या, जब वापस उनको जाके बोला कि ये 67 आपने इस लिस्ट में कैसे ऐड कर दिया जबकि हमने कोई 67 की चीज़ ही नहीं ली, तो जी अंदर से फिर तीन लोग स्पेशली आए हैं और उन्होंने देखा है सारा, एक एक सामान हमारा देखा है और जब देखा कि जो माल्टे थे ना उसके ऊपर मैंगो की, वो जब हम करने जाते हैं ना क्या प्राइस लगवाने जाते हैं, जब वो केजी के हिसाब से प्राइस आपको अंदर ही लगवा के देते हैं फिर हम काउंटर पे आके उसको ना करवाते हैं, तो जी बाय मिस्टेक उनसे ऑरेंजेस के ऊपर मैंगो की वो चिट लग गई हुई थी जिसकी प्राइस जी 67 उन्होंने ऊपर लिखी हुई थी। फिर बाद में कहते हो सॉरी सॉरी हमारी मिस्टेक है, ये है वो है। तो जी 67 से फिर मुझे मेरे 55 रियाल वापस मिले। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई चांस हो, जाते तो हर कोई यहाँ पे, लेकिन जब भी आप जाएं आप चेक करें कि जो आपने फ्रूट वेजिटेबल ऐसी चीज़ ली है उसके ऊपर उन्होंने वही स्टिकर उसी का लगा कर दिया है, तो ये आप भी थोड़ा सा चेक कर लें क्योंकि मेरे साथ तकरीबन ये 22 सालों में ये एक बार हुआ है, ये जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है, या शायद हम लोग नहीं नोटिस करते, अगर मैं नोटिस ना करती तो मैं कभी भी ना चेक करती, मैं कहती शायद कोई ना कोई चीज़ ऐसे मैंने ले ली है। तो ये आपने ज़रूर नेक्स्ट टाइम माइंड में रखना है जब भी आपने ऐसा कुछ करना है। इसलिए जो जो ट्रेजडीज़ हमारे साथ होती रहती मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि इन फ्यूचर आप लोग भी उस चीज़ को जी ध्यान में रखें क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे मिस्टेक हो सकती है, तो बेटर है आप अपनी जो तसल्ली है ना खुद अपनी आँखों से करें। हमारी आज की ट्रेजडी जो हम लोगों ने फेस की और आप लोगों को मैंने बता दी। अभी हम किधर जा रहे हैं? सेंटर पॉइंट जा रहे हैं, जैसे कि मैंने उनको पहले बोल दिया हम सेंटर पॉइंट जा रहे हैं और उसके बाद फिर क्या करना है किधर जा रहे हैं वो आप लोगों से इसी तरह मैं बताती रहूँगी। हवा तो बहुत मज़े की चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है इस टाइम। अभी वैसे पहले जैसी नहीं रही रात को, अक्सर ना मौसम ज़रा ठंडा हो जाता था, इतना नहीं रहा, लेकिन इस टाइम ये जो ये वाला मौसम है ना मिड वाला, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी और अच्छी सी हवा ठंडी ठंडी चलती है वो वाला, तो देखते हैं अंदर क्या पसंद आता है, लेते हैं चीज़ें। और मैं नहीं शॉपिंग करवा रही, एवं शॉपिंग मैं करवा रही हूँ, आदमियों की तो वैसे चीज़ें बहुत महंगी महंगी आती हैं, इनमें तो सेल भी नहीं, इनकी चीज़ों पे ज़्यादा होती है। सॉरी एक बार कोई बोल दे ना कि चलो मैं शॉपिंग करवाऊँ तो बंदा ही फ्री हो जाता है, एक चीज़ के तो पीछे पड़ना ही नहीं ना आता। ओके जी इतराज़ टाइम इतराज़। चलो ये देखो इन लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिए, काफ़ी देर बाद आया है ना, मुझे तो ज़्यादा डेकोरेशन चीज़ पसंद है, मैं वहाँ चली जाती हूँ देखने ज़्यादा खिड़की। चलो जी मुझे तो हानिया की ना हेलो किटी की दो शर्ट्स और दो पेयर पकड़ लिए मैंने इसके, और अभी देखते हैं शूज़ वूज़ देखते हैं। हानिया कम कम
और शूज़ वगैरह के भी मैं सेक्शन में आई हूँ। हानिया किधर गई? ओके चलो, वो बाबा के पास ही है उधर, वो बाबा रहे। चले And you like Modella? But now it's so late. I cannot take picture with her. Yeah, it's okay. Because you can. Yeah. Yeah, yeah. Honey, go take picture. हेलो। मैंने अभी दो तीन और चीज़ें वहाँ देखनी थी जूती वाले सेक्शन पे, तो ये देखो उसके पीछे 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 फिर पीछे उसको बड़ी पसंद आ गई। हाँ कहती आप बहुत लकी हो, आपके पास ऐसी बेटी है। मैंने कहा अभी शादी कर लो। हानू बहुत तंग करती है। हेलो कीती, हानू की बहुत हेलो कीती वाली शर्ट्स मिल गई आज मुझे। हानू की तो हेलो कीटी की बोझी हो गई है। चलो उसका अपना जुले नजर आ गया। ये देखे जरा हानिया की शॉपिंग, अपने से ना अपने से चीजें डाली जा रही है। इधर से गुजरती गुजरती दो तीन शर्ट्स उसने बीच में डाल ली है। ये देखो जरा, ये देखो, ये चेक करो, पूरी पकड़ पकड़ के ना डाली जा रही है। चेक करें जी हानिया को, चेक करें। अब कह रही है इसको उतारो। चलो अब कुछ और डालेगी। यहाँ पे एक और शर्ट डाल रही हो। चलो घूमते घूमते एक और शर्ट इसने बीच में ना रख दिया। चलो माय गॉड, ये देखो जरा, ये देखो, अल्लाह माफ करे, इसका मैं क्या करूँ। बोलो जो दिल में आ रहा है, चली जा रही है। आने का मैं आपकी एक पैंट देख लूँ यार, कसम से मैंने इतनी चीज़ें देखने ना। हानिया बस बस बहुत हो गया, आ जाओ, बहुत हो गई। चलो बस फिनिश फिनिश फिनिश, हानी फिनिश। ये देखो ज़रा, तो बस अखबार तुम ना मुझसे ही सारी तय लगवानी है अगलों ने। कहना वापस रखो जहाँ जहाँ से तुम्हारी बच्चे ने उठाई है। हनी यस मिनी माउस। चलो वो गई अंदर, आ जाओ बेटा। चलो वेयर इज योर बाबा, वही तय करके रखेंगे वापस, मैं तो नहीं कर रही।
चलो जी हानिया की आइसक्रीम का टाइम हो गया, जस्ट अभी अभी फारिग हुए हैं। हानिया को आइसक्रीम लेकर देने के बाद ना फिर हम कुछ खाएंगे, क्योंकि हानिया ना कह रही है पहले मेरी आइसक्रीम और फिर कुछ और। हानी यू वांट चॉकलेट और मिक्स? आई शेम ओनली आइसक्रीम शी नीड्स। वो चॉकलेट वाली खा चुकी है कर्नेटो। ओके ओके सो हेलो आई वांट आइसक्रीम। हेलो गुड इवनिंग, वन वनीला आइसक्रीम। हाउ मेनी? वन। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू। वेलकम। छोरी तो थकी, हम भी थके, ऑर्डर ले लेके। चलो जी चॉकलेट वाली आ गई हानिया के लिए, हमने वनीला वाली ऑर्डर की है। कहती नहीं मुझे वनीला नहीं, मुझे चॉकलेट वाली चाहिए। वो फिर बेचारे से कहा चॉकलेट वाली बना दो यार। अब ये मैं खाऊं। तो जी फाइनली हानिया ने ले ली थी अपनी आइसक्रीम और हम लोग इसके बाद नोश फरमाएंगे जी रात का डिनर। और थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी, वरना मैं आप लोगों से हानिया की जो शॉपिंग की थी वो ज़रूर शेयर करती। तो जी इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।